मानसून में कैसे करें अपने डॉग की देखभाल। मैं आज आपको बताऊंगा मानसून में अपने डॉग को कैसे आपको केयर करना है कि जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, बीमार ना हो आपका डॉग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मानसून के सीज़न में बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इस सीज़न में वायरस ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ऐसे में आपको अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने पालतू डॉग का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। अपने डॉग को मानसून के सीजन में कभी भी खुले में रखा हुआ पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा देर रखे होने से पानी में बैक्टीरिया पनप जाते हैं। डॉग को खाना खिलाने के बाद टहलाने ज़रूर ले जाएं। ऐसा कोई भी खाना ना खिलाएं जो उसकी सेहत के लिए अच्छा ना हो। हमेशा खाना देने के बाद डॉग को साफ पानी ही पिलाएं। जब भी आप डॉग को वॉक पर ले जाएं तो जिन जगहों पर पानी भरा हो उन जगहों को थोड़ा अवॉइड करें। ऐसी जगह पर मच्छर काटने का बहुत खतरा होता है। अगर आपके डॉग के शरीर पर कोई घाव है तो उसे बाहर बिल्कुल ना आप लेके जाएं। आपको अपने डॉग को गर्म पानी ही पीने के लिए देना चाहिए, क्योंकि डॉग्स की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसी वजह से उन्हें दूषित पानी से जल्दी बीमारी होने का खतरा होता है। ऐसा ना करने से मानसून के सीज़न में आपके डॉग के स्टमक इशू या लूज मोशंस की समस्याएं हो सकती हैं। आप उन्हें खाने के बाद गर्म पानी ही दीजिए। आप अपने डॉग को हफ्ते में एक बार जब बात देते हैं तो एक हर्बल शैम्पू से ही, आप अच्छे किसी शैम्पू से ही आप नहलाइए अपने डॉग को। नहलाने के बाद डॉग को टॉवल से अच्छी तरीके से आप एक बार पोंछ दीजिए जिससे वो गीला ना रह जाए। आपके डॉक्टर ने जो भी आपके डॉग के लिए वैक्सीनेशन बताए हैं वो सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लीजिए। तो अपने डॉग को मानसून के टाइम में गीले पत्ते या घास वगैरह इस क्षेत्र में ना घुमाएं तो ही ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज़ वहाँ से आपके डॉग पे कोई कीड़े मकोड़े इस टाइप से लग जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर डॉग के साथ चिपक के चला आया उसकी बॉडी पे तो वही उसको बस बीमार कर देगा। कोई भी पेट ओनर नहीं चाहता कि उसका डॉग बीमार पड़े। यदि चैनल पर पहली बार आपने विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें, हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके लिए नई वीडियोज़ हम लाते रहें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आप कौन से शहर से वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।